हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो हर हफ्ते की तरह यहाँ पे हम वीकली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी डिस्कस करेंगे कि क्यों वो क्वेश्चन का आंसर जो है पर्टिकुलर वे में जो गिवन है वो सही है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। First question we have is with reference to Balika Panchayat, consider the following statements. First, it is managed by women members of the Legislative Assembly. Second, Gujarat is the first state in the country to launch Balika Panchayat. Which of the statement given above is or are correct? A. One only, B. Two only, C. Both one and two, D. Neither one nor two. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकंड स्टेटमेंट ओनली। तो बालिका पंचायत का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली एक सीरियल से जो है लिया गया था। सो अब उसे अडॉप्ट करते हुए गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट जिसने बालिका पंचायत को लॉन्च किया है। तो एक बेसिक आइडिया बालिका पंचायत का यही है कि जो एज ग्रुप है 10 से 21 ईयर्स की लड़कियों का, वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगी। साथ ही साथ सिमिलर वे में ही इलेक्शन होंगे एंड जो भी इस पंचायत में या फिर इंक्लूड होंगी, इनको जो ग्रुप करेंगी, दे विल हियर या वो उस चीज़ का रेजोल्यूशन करेंगी विद मैटर्स विच आर रिलेटेड टू विमेन या गर्ल्स इटसेल्फ। एंड साथ ही साथ जो विलेज के सरपंच होंगे या होंगी, वो पर्टिकुलरली इनको मीटिंग्स अरेंज करवा के देंगी। साथ ही साथ उनका काम क्या रहेगा कि अगर फंड्स के एलोकेशन की रिक्वायरमेंट है विद रिस्पेक्ट टू बालिका पंचायत की नीड्स के, तो उन्हें वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गुजरात हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट जहाँ पे बालिका पंचायत इस्टेब्लिश की गई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Which of the following statements is or are correct about the Vertical Launch Short Range Surface to Air Missile VLSRSAM? First, it will replace the Barak One surface to air missile system for the Indian Navy. Second, it is a hypersonic missile. Third, it is operational range is less than 50 kilometers. Select the correct code from the options given below. A 1 and 3 only, B 1 only, C 2 and 3 only, and D all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कि जब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी कि VLSRSAM के बारे में, तो ये मिसाइल जो है, अगर आप कहें, वो पहली बात कि वो तो रिप्लेस करेगी किसे, बैरक वन को, ठीक है। दूसरी चीज़ कि ये मरीन शिप्स में या अगर आप कहें कि हमारे जो वॉरशिप्स होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडियन नेवी, उसमें इंस्टॉल की जाएगी। साथ ही साथ हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि इसे एक सरफेस की ज़रूरत है टू लॉन्च इटसेल्फ। साथ ही साथ शॉर्ट रेंज के लिए है, ठीक है। एंड कोई भी शॉर्ट रेंज में अगर आपको इराडिकेट करना है किसी भी तरह के एनिमी को, तो इसे लॉन्च किया जाएगा, यानी कि लेस दैन 50 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है। साथ ही साथ यहाँ पर वी हैव कि आफ्टर द लॉन्चिंग इटसेल्फ या लॉन्चिंग से पहले ही आप टारगेट को जो है लॉक कर सकते हैं। दिस इज द स्पेशलिटी। एंड साथ ही साथ वी हैव ए न्यू मिसाइल विच इज इंक्लूडेड इन द आर्टिलरी, दैट इज वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Consider the following statements regarding Global Liveability Index 2022. First, Denmark is the most livable city in the world as per the index. Second, India has none of its cities in the top 100 of the index. Which of the statements are correct? A. 1 only, B. 2 only, C. Both 1 and 2, and D. Neither one nor two. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेकंड स्टेटमेंट ओनली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में वी हैव सीन के डेनमार्क को पोजीशन दिया गया है। स्टेटमेंट वन जो है इनकरेक्ट हो जाती है क्योंकि ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है दैट इज वियना, वो है टॉप मोस्ट पोजीशन पे। तो 2021 के इंडेक्स पे 12th पोजीशन पे थी, 12th के बाद सीधा फर्स्ट पोजीशन इसने बैक की है, क्वाइट अ गुड अचीवमेंट। और इंडियन सिटीज़ में टॉप 100 में किसी भी सिटी ने कोई भी पोजीशन जो है वो हासिल नहीं किया है। अगर न्यू दिल्ली की बात करें, दैट हैज़ बैक्ड 112th पोजीशन। मुंबई की बात करें, 117th पोजीशन जो उसने हासिल की है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। So next question we have is कि which of the following statements clearly explain the term carbon bombs? A. These are coal present beneath the earth's surface yet to be discovered. B. These are the oil or gas projects that will result in at least a billion tons of carbon dioxide emissions over its lifetime. C. These are oil resources present beneath the permafrost that will be exposed due to the melting of ice. D. These are vehicular emissions that receive less attention from the international community. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कार्बन बॉम्ब्स जो हैं इस तरह के ऑयल या गैस के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें अंडरटेक किया जा रहा है बाय वेरियस अदर कंट्रीज। तो 195 सच प्रोजेक्ट्स हैं। तो टोटल जो इनके हिसाब से या इनके इन प्रोजेक्ट्स के एंड में अगर हम देखें कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशंस होंगी, वो पेरिस एग्रीमेंट ऑफ 2015 में जो लिमिट सेट की है उससे फार बियॉन्ड होंगी। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस इतनी ज़्यादा होंगी इन प्रोजेक्ट से। सो एज अ रिजल्ट इन्हें इन प्रोजेक्ट्स को नाम क्या दे दिया गया है, कार्बन बॉम्ब्स। सो एज अ रिजल्ट ये ऑयल या गैस के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज With reference to virtual servers, consider the following statement. First, a virtual server is a simulated server environment built on an actual physical server. Second, virtual servers are not as efficient as the physical servers. Which of the statements given above is are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, neither one, not. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट कि एक वर्चुअल सर्वर जो है उसकी बैकिंग अगर हम देखें एक फिजिकल सर्वर पे ही होती है. तो अर्लियर वी यूज टू हैव मेनी फिजिकल सर्वर्स. तो अब इससे क्या काम हो रहा था कि फिजिकल सर्वर जो है इसके लिए आपको सेपरेट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ परचेज करना पड़ेगा. तो बहुत सारे फिजिकल सर्वर्स हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा या खर्चा भी होता है. सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट, एक बेसिक हमारे पास फिजिकल सर्वर होता है जो कि मल्टीपल वर्चुअल सर्वर को जो है हैंडल करेगा और जो फंक्शन है वो सिमिलर एज टू फिजिकल सर्वर रहेगा. सो मतलब उनकी जो अगर आप बात करें प्रोडक्टिविटी की, वो सिमिलर रहेगी एज द फिजिकल सर्वर. सो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो वर्चुअल सर्वर है वो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली एक फिजिकल सर्वर पे ही बेस्ड रहेगा. सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि अगर आप बात करें उनके काम की या जितनी भी फंक्शनिंग है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेट की या कोई भी सर्विस प्रोवाइडिंग की बात हो रही है, जो फंक्शनिंग है दोनों की सेम रहेगी. एज अ रिजल्ट सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है. सेकंड वी हैव इज, सो नेक्स्ट वी हैव इज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव अ ग्रुपिंग सीन इज न्यूज इन न्यूज इज रिलेटेड टू A, maritime security, B, illegal immigration, C, drug trafficking and D, cyber security. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैरीटाइम सिक्योरिटी. तो यहाँ पे हमारे पास जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है 2011 में शुरू हुआ था. इनिशियली इसका पार्ट कौन थे? इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स. फोर्थ मेंबर इसमें ऐड हुआ था वो था मॉरिशस, जो कि फिफ्थ मीटिंग में किया गया था ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे क्या डिस्कस किया जाता है? टेररिज्म की बात डिस्कस की जा रही है कि जो टेररिज्म रिलेटेड केसेस की इन्वेस्टिगेशन है उसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी न्यू दिल्ली मिलकर यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च कर रही है जिसपे वी कैन डिस्कस द मैटर ऑफ टेररिज्म. तो इस बार की अगर मीटिंग की बात करें वहां पे ऑब्जर्वर्स कौन कौन रहे? बांग्लादेश एंड सीशेल्स. एंड साथ ही साथ उन्हें इनवाइट भी किया गया है कि इस ग्रुप को या इस कॉन्क्लेव को वो भी ज्वाइन करें. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज with reference to indigenously developed laser guided anti tank guided missile ATGM, consider the following statements. First, the all indigenous ATGM can even defeat explosive reactive armor protected armored vehicles. Second, the capability of ATGM to engage targets from minimum to maximum range has been established. Which of the following statements are correct? A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2 and D, neither one not. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो जब हमें नाम से ही पता लग रहा है कि नाम है इसका वी हैव सीन कि एटीजीएम की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, ठीक है, कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स के आर्मर्ड व्हीकल्स के अगेंस्ट, या एंटी की जब हम बात कर रहे हैं तो गार्डेड या आर्मर्ड व्हीकल्स को बेसिकली डिस्ट्रॉय करने के लिए. सो फर्स्ट स्टेटमेंट वी हैव सीन के करेक्ट है कि एक्सप्लोजिव या आर्मर्ड कोई भी व्हीकल होगा उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है. साथ ही साथ इसकी रेंज की बात करते हैं तो इसकी रेंज में मैक्सिमम और मिनिमम जब हम बात कर रहे हैं रेंजेस को डिसाइड करना काफ़ी डिफिकल्ट एक टास्क रहता है. बट जो ट्रायल्स हुए हैं ट्रायल्स के बेसिस पे मैक्सिमम एंड मिनिमम जो रेंज है उसको इस्टैब्लिश करने में, उसे हासिल करने में या अचीव करने में ये सक्सेसफुल रहा है. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज सौजो फेस्टिवल इज एन एनुअल कैथोलिक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन ए, पॉन्डिचेरी, बी, केरला, सी, गोवा एंड डी, तमिलनाडु. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गोवा. तो हर मानसून में कैथलिक्स दे सेलिब्रेट अ फेस्टिवल दैट इज सौजो फेस्टिवल. एक तरह से फीस्ट की तरह इसे सेलिब्रेट करा जाता है ऑफ सेंट जॉन द बैप्टिस्ट. तो बैप्टिज्म जो कॉन्सेप्ट है वो सेंट जॉन द बैप्टिस्ट से ही आया था. सो आफ्टर दैट इस सेलिब्रेशन में क्या होता है, बहुत सारे क्राउन्स की बात होती है, नेकलेसेस की बात होती है, उन्हें बनाया जाता है आउट ऑफ फ्रूट्स, अगर फ्लावर्स की बात करें लीव्स, एंड साथ ही साथ बॉडीज जो है वाटर बॉडीज की जो है उसको फीस्ट को बेसिकली एंजॉय किया जाता है, यानी कि वेल्स, पॉन्ड्स, फाउंटेन्स, रिवर्स एंड साथ ही साथ इसे लीप ऑफ जॉय भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज With reference to partners in the Blue Pacific Initiative, consider the following statements. First, it is an informal mechanism to support Pacific islands and to boost diplomatic and economic ties in the Pacific region. Second, it is launched by Russia and China. Which of the statements given above is or are correct? A1 only, B2 only, C both 1 and 2 and D neither 1 nor 2. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि फर्स्ट स्टेटमेंट है करेक्ट, सेकंड है इनकरेक्ट. ये बेसिकली एक इनका अगर बात करें इनफॉर्मल मैकेनिज्म तो है ही है कि पैसिफिक आइलैंड्स में कि डिप्लोमेटिक या इकोनॉमिक टाइज को पैसिफिक रीजन में उसे स्ट्रेंथन किया जाए. बट जो कंट्रीज़ हैं बेसिकली वो रशिया एंड चाइना नहीं है. इन्हें लॉन्च किसने किया था? यूएस ने, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज India's booming gig and platform economy report is released by which of the following organizations? A. Reserve Bank of India, B. Central Statistics Office, C. Niti Aayog and D. Small Industries Development Bank of India. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नीति आयोग. तो थिंक टैंक है इंडिया का नीति आयोग, तो उन्होंने ये जो रिपोर्ट है उसे पब्लिश किया था. साथ ही साथ कहा था कि इंडिया में गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है वो आ गई है. सो इट इज़ अ फर्स्ट काइंड ऑफ स्टडी या इट इज़ अ फर्स्ट काइंड ऑफ रिपोर्ट दैट हैज़ बिन पब्लिश एंड साथ ही साथ रिकमेंडेशंस भी दी गई थी इन दिस रिपोर्ट ऑन द गिग प्लेटफॉर्म इकोनॉमी दैट हैज़ बिन और दैट इज अपकमिंग इन इंडिया इटसेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज Consider the following statements. First, Blue Deal is promoted by United Nations Oceans Conference to enable the sustainable use of ocean resources for economic growth. Second, the Green New Deal calls for governments to allocate a significant share of stimulus funding to green sectors. Third, the objectives of Green New Deal are economic recovery, poverty eradication and reduced carbon emissions. Which of the above statements is or are correct? A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 and 3 only, D1, 2 and 3 यानी कि all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लू डील एंड ग्रीन न्यू डील जो है क्या. तो ब्लू डील जो है आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, ब्लू की बात हो रही है यानी कि ओशंस की बात हो रही है, ग्रीन की बात हो रही है यानी कि लैंड की बात हो रही है. तो बेसिकली यहाँ पे हमने कलर्स से डिनोट किया है. तो ब्लू डील जो है यहाँ पे हमने 2022 में यूनाइटेड नेशंस ओशंस कॉन्फ्रेंस में जो है इस कॉन्सेप्ट को ले डाउन किया गया था एंड कहा था कि बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए हमें ओशंस जो है उनको मैक्सिमाइज जो है उनकी डिजिटलाइजेशन करनी है ताकि हमें जो कॉस्टिंग पड़ रही है फॉर द बिजनेस वो कम रहे, इन्वेस्टमेंट जो है वो कम रहे बट उसका आउटकम जो है वो ज़्यादा रहे. ठीक है, तो ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने की बात की जा रही थी यहाँ पे बेसिकली. तो अब ग्रीन न्यू डील जो है वो साथ ही साथ लैंड्स के ऊपर डेवलपमेंट की बात कर रही है कि गवर्नमेंट्स को ये कॉल है कि वो एलोकेट करें रिसोर्सेज किसके ऊपर, ग्रीन सेक्टर्स के ऊपर. और सेट किए हैं 3 ऑब्जेक्टिव्स इसके लिए ताकि इकोनॉमी को रिकवर किया जा सके, पॉवर्टी को इरेडिकेट किया जा सके एंड कार्बन डाइऑक्साइड की जो एमिशंस हैं उनको कम किया जा सके एंड साथ ही साथ इकोसिस्टम जो डिग्रेड हो रही है उसे भी बचाया जा सके या कम किया जा सके. तो ये चीज़ जो है यूनाइटेड नेशंस के कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में ले डाउन की गई इन 2022 जिसे हमने ब्लू डील एंड ग्रीन न्यू डील कहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. First is Kaliningrad is an exclave of Russia completely separated from country's mainland. Second, Kaliningrad is situated between the NATO members Latvia and Estonia. Third, it is the headquarters of Russia's Baltic Sea Fleet and the country's only ice-free European port. Which of the above statements is or are correct? A. 1 and 2 only, B. 1 and 3 only, C. 2 and 3 only and D. all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो अब कैलिनग्राड की जब हम बात कर रहे हैं इज एन एक्सक्लेव ऑफ रशिया. एक्सक्लेव का मीनिंग क्या होता है? एक्सक्लेव है एक ऐसी टेरिटरी जो कि अपने ओरिजिनल मेनलैंड से बिल्कुल ही कटी हुई है एंड दूसरे नेशंस के साथ सराउंडेड रहती है. तो एक्सक्लेव का मीनिंग यही रहता है. तो कैलिनग्राड इज एन एक्सक्लेव ऑफ रशिया यानी कि इट इज कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेनलैंड. तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. दूसरी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें क्या डाउन किया गया था, हमें बताया गया था कि नेटो मेंबर्स हैं लाटविया एंड एस्टोनिया. ठीक है, बट एक्चुअली में इट इज सिचुएटेड बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड नेटो मेंबर्स दैट इज लिथुआनिया एंड पोलैंड. सो ये दो जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग, कंट्रीज के नाम यहाँ पे गलत थे. तीसरी चीज कि इट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ रशियाज बाल्टिक सी फ्लीट एंड द कंट्रीज ओनली आइस फ्री यूरोपियन पोर्ट. कि ओनली आइस फ्री यूरोपियन पोर्ट जो है रशिया का, ठीक है, दैट इज कालिनग्राड. तो बेसिकली हम वी हैव ऑल्सो सीन कि एशिया एंड रशिया, अगर एशिया एंड यूरोप के बीच में, इट इज़ अ कंट्री विच इज़ लाइंग इन बोथ द कॉन्टिनेंट्स, राइट. तो अब इतनी ज़्यादा ठंड हो जाती है, सो एज अ रिजल्ट इट इज़ द ओनली पोर्ट जो कि आइस फ्री रहता है एंड द ओनली यूरोपियन पोर्ट ऑफ रशिया जो कि आइस फ्री रहता है. एंड हेडक्वार्टर्स है किसका? बाल्टिक सी फ्लीट का. नेक्स्ट वी हैव इज which of the following statements aptly describes the gig economy? A, it is where the workers do not have social security. B, the workers are exploited. C, the workers are hired on a temporary, formal or informal contracts. D, the workers are compulsorily removed after a fixed term of employment. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी. तो गिग इकोनॉमी में पिछला जो क्वेश्चन था उसका मीनिंग ना समझाने का रीजन यही था कि आगे हम इसे ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे. तो जो गिग इकोनॉमी की रिपोर्ट नीति आयोग ने की दी है उसके अकॉर्डिंगली इंडिया जो है अभी गिग इकोनॉमी के अंडर है. तो गिग इकोनॉमी इज व्हाट, कि जहाँ पे हम बहुत सारे जो एम्प्लॉयज हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे हायर कर रहे हैं. गिग इकोनॉमी का मीनिंग यही रहता है कि इंडिया ऐसी इकोनॉमी बनती जा रही है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम बहुत ज्यादा हो रहा है, प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी और नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए भी. सो एज अ रिजल्ट कि जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स कौन से हैं, जो बेसिकली टेबल पे बैठ के काम करते हैं. नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो है डेली वेजेस की बात कर रहे हैं या ऑल द अदर वर्कर्स विच आर नॉट प्लेटफॉर्म वर्कर्स. सो बेसिकली यहाँ पे हम किस चीज की बात कर रहे हैं? गिग इकोनॉमी की एंड गिग वर्कर्स की. तो गिग वर्कर्स क्या है? इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स भी हो सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फर्म वर्कर्स भी हो सकते हैं, उनको बुला के ऑन कॉल वर्कर्स भी हो सकते हैं, टेम्पररी वर्कर्स भी हो सकते हैं. तो जो गिग इकोनॉमी या गिग वर्कर्स है वो एक इनफॉर्मल या फॉर्मल एग्रीमेंट में आते हैं कि इतने इतने टाइम के लिए, इतने इतने काम के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है. आफ्टर दैट यू विल नो लॉन्गर रिसीव एनी काइंड ऑफ सैलरी. तो अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास अग्निपथ स्कीम आई है दैट इज सिमिलर कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे आपको थोड़े टाइम के लिए आर्मी में सर्व करना पड़ेगा या मिलिट्री में सर्व करना पड़ेगा, नेवी में सर्व करना पड़ेगा. आफ्टर सच पॉइंट ऑफ टाइम आप उसके बाद क्या होगा, आपको निकाल दिया जाएगा. सो जो आपके में से अगर कहेंगे जो कुछ बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होकर परमानेंटली they will be given the job, but some of them will be, you know, taken out of that kind of a job. So as a result, India की जो economy है more of a gig economy बनती जा रही है. Next question we have is consider the following statements related to spread of communicable diseases. First, endemic is the term used to describe an epidemic when the spread is global. Second, epidemic describes a disease that is present permanently in a region or population. Third, pandemic is an outbreak that affects many people at one time and can spread through one or several communities. Which of the above statements is or are correct? A, 1 and 2, B, 2 and 3, C, 1 and 3 and D, none of the. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के नॉन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो हमें मीनिंग क्या क्या देखने हैं? सबसे पहले एंडेमिक का मीनिंग देखना है कि एंडेमिक डिस्क्राइब कर रही है इस तरह की डिजीज जो पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर रीजन या एक पॉपुलेशन को ही अफेक्ट कर रही है, ठीक है. दूसरी चीज एपिडेमिक की बात कर रहे हैं कि जो आउटब्रेक हो रही है वो एक लिमिटेड है टू अ पर्टिकुलर रीजन और एरिया, सेवरल कम्युनिटीज में जा सकती है बट एक पर्टिकुलर रीजन में. जैसे हम मलेरिया की बात कर रहे हैं कि मलेरिया जो है एशियन कंट्रीज में ही ज़्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, यूरोपियन कंट्रीज में वी हैव सीन कि मस्कीटोज ही नहीं पाए जाते. सो एज अ रिजल्ट वी हैव सीन कि एपिडेमिक जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर रीजनल एरिया में जो है वो स्प्रेड हो जाता है. साथ साथ पेंडेमिक की बात करें तो जो ग्लोबल लेवल पे स्प्रेड हो जाए विदाउट एनी काइंड ऑफ बाउंड्रीज. सो जैसे कि अभी हम कोविड-19 को देख रहे हैं, सो वो एक पैंडेमिक ही है. सो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ ऑल द थ्री. सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज which of the following statements is or are correct about the Niryat portal? So first is Niryat is developed as one stop platform for stakeholders to get all the necessary information related to India's foreign trade. Second, it would provide district wise information related to various commodity groups exported to more than 200 countries of the world. Select the correct answer from the codes given below. A, 1 only, B, 2 only, C, both 1 and 2, D, none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो बेसिकली निर्यात जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? दैट इज नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड. जो एक पोर्टल है बना दिया गया, ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी, सारी की सारी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी एट द नेशनल लेवल. एंड इन द अपकमिंग टाइम जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो रहा है वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे स्टेक होल्डर्स को भी एंड इवन द इन्वेस्टर्स या जो बिजनेसमैन है उनको भी प्रोवाइड किया जाएगा जाएगा कि कितना अमाउंट कहाँ से उनको रिसीव होने वाला है या फिर जितना भी इम्पोर्ट हुआ है कितना एक्सपोर्ट हुआ है, बेसिकली इस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे, सभी उसको ईजिली जाके एक्सेस कर सके एंड साथ ही साथ जो हमारे पोर्ट्स हैं या जो एक्सपोर्ट्स हैं या इम्पोर्ट्स हैं उनको भी स्ट्रेंथन किया जाए फर्दर, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सभी को इक्वली यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है। सो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू सो मच।